Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. उज़्ज़मा आप ठीक हो? जी अस्सलाम ठीक शायद अजमीन आप बताओ आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ओके वही आज हम पढ़ रहे हैं लेट मी रिपीट द थिंग्स हम आज यूनिट पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इसमें सबसे पहले हमने पढ़े कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी तभी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है। ठीक है यस सर। हाँ तो इसमें हमने फिर इसके टाइप्स पढ़े इफ स्टेटमेंट if else statement nested if else statement and abc ne padha ye teen humne padhe if else statement and nested if else statement if mein kya hota hai agar condition true hai to statement execute hoga agar condition false hai to kuch nahi hoga theek hai agar condition true hai to statement ek statement ya ek se zyada statement execute honge agar false hai to kuch nahi hoga। इसके बाद हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी इसके बाद हमने पढ़ा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स इसमें क्या है अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा है ना। जैसे हमने ऑड इवन पढ़ा था ऑड इवन पढ़ा था हाँ हमने पढ़ा था वो पास फेल पढ़ा था अगर 33 से ज्यादा है तो पास है अगर 30 से कम है तो फेल है तो वहां इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं यानी यहाँ दोनों सूरत में अगर कंडीशन ट्रू भी हो तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर फॉल्स हो तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक। इसके बाद हमने फिर पढ़ा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड में क्या होता है अगर हम एक इफ के अंदर एक और इफ इस्तेमाल करेंगे एक इफ क्या एक से ज्यादा इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इफ के अंदर और इफ इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। इसकी जो जनरल सिंटैक्स है वो है इफ कंडीशन वन फिर अंदर कंडीशन टू इस तरह हम कंडीशन थ्री कंडीशन फोर ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है तो ये इफ जो है दूसरा इफ है ये इफ इज इफ इफ के अंदर है द सेकेंड इफ इज विद इन द फर्स्ट इफ और आपको याद रखना यहाँ जो दूसरा इफ है जो अंदर का इफ है ये डिपेंडेंट है पहले इफ पे अगर पहला इफ ट्रू है तभी दूसरे इफ को चेक करेगा अगर पहला इफ फॉल्स है तो दूसरा इफ चेक नहीं होगा। अंडरस्टैंड जी सर। यहाँ क्या होता है अगर पहला इफ ट्रू है दूसरा इफ भी ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर पहला इफ ट्रू है दूसरा इफ फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक इस अंदर वाले इफ का एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके अगर पहला इफ फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा बल्कि पहले इफ का एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टैंड यस सर। ओके फिर मैंने आपको एग्जांपल भी समझाई थी पास फेल भी समझाया था ये इफ एल्स है पास फेल। ठीक है अगर 33 से ज्यादा है तो पास है अगर 33 से कम है तो फेल है। ओके तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे लेट अस टुडे राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू चेक द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। कल हमने दो नंबर पढ़ी थी याद है आपको कल हमने दो नंबर पढ़ी थी दो में से बड़ा कौन है ना जी सर। ठीक है तो आज हम तीन सर। नंबर देखेंगे तीन नंबर में बड़ा कौन कैसे हम चेक करेंगे अगर मेरे पास तीन नंबर्स हैं तो मैं कैसे चेक करूं कि इन तीन में कौन सा बड़ा है आप मुझे बता सकते हैं मैं कैसे चेक करूं मैं कैसे कंप्यूटर को समझाऊं मैं कैसे कंप्यूटर को समझाऊं बताइए उज़्मा बताओ मैं कैसे कंप्यूटर को समझाऊं कि
तीन में से कौन सा बड़ा है, वो कैसे मुझे प्रिंट करके दे दे कि बड़ा कौन है। सर कंडीशंस देंगे ना सर? हाँ हाँ कंडीशन चेक करेंगे। यस सर। तो कंप्यूटर को समझाएंगे हम ऐसा। यस सर बोलिए। पहले मैं यहाँ समझाऊंगा, फिर मैं आपको वहां प्रोग्राम भी कराऊंगा इस पे। अजमिना जी सर। जी सर होशियार हो? जी सर। अच्छा यास्मीना आप लेट क्यों आ गई? सलाम अलैकुम सर। सलाम। आज क्यों लेट हुआ? ठीक है देखिए, मैं ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल एक है नम वन, दूसरा है नम टू, तीसरा है नम थ्री, ठीक है कितने नंबर है मेरे पास? तीन नंबर। तो मैं कैसे कंप्यूटर को समझाऊं कि नम वन बड़ा है या नम टू बड़ा है या नम थ्री बड़ा है, ठीक है कैसे में, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर ऐसे समझाऊंगा, अगर इफ ऐसे समझाऊंगा, इफ नम वन इज ग्रेटर देन वन इज ग्रेटर देन नम टू, अगर नम टू नम नम वन नम टू से बड़ा है, समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है और दूसरी इसके बाद क्या देखूं मैं? इफ नम टू इज ग्रेटर देन नम थ्री। ना ना, इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री। नम थ्री यस सर। यस सर है ना, इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री का मतलब क्या हुआ? अगर नम थ्री नम अगर नम वन नम टू से बड़ा है, अगर नम थ्री से बड़ा है तो मैं कहूंगा ना नम वन दोनों से बड़ा है। सिंपल सी बात है ना। अगर नम वन नम टू से भी बड़ा है, अगर नम वन नम थ्री से भी बड़ा है, तो मैं सिंपल लिखूं कि नम वन दोनों में से बड़ा है, इन तीनों में से बड़ा है। समझ आ गई बात? जी सर। तो मैं लिखूं यहाँ फिर या प्रिंट करूं मैसेज नम वन इज ग्रेटेस्ट, नम वन इज ग्रेटेस्ट। ये प्रोग्राम में नहीं लिखवाता, यहाँ समझा रहा हूँ आपको, प्रोग्राम में वहां लिखूंगा कंपाइलर में, ठीक है। होगा एक कंडीशन, ठीक है नम वन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है तो यहाँ ये क्लोज होगा, हो गए। अगर नम वन बड़ा है, इस स्टेटमेंट क्या मुझे पता चलेगा? नम वन बड़ा है, ये एक कंडीशन हो सकती है। इसके बाद में चेक करूंगा नम टू, इफ अगर ये नहीं है तो नम टू हो सकता है, तो मैं चेक करूं क्या नम टू नम वन से बड़ा है, ग्रेटर, ठीक है। अगर नम टू नम नम अगर नम टू नम वन से बड़ा है, इफ इसके अंदर मैं लिखूं अगर नम टू नम थ्री से बड़ा है, ठीक है तो मैं क्या लिखूं? नंबर टू इज ग्रेटर, टू इज ग्रेटर, नम टू इज ग्रेटेस्ट। आ गई बात? अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या होगा? एल्स। एल्स होगा, ठीक है। तो एल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या आप यहाँ और एक स्टेटमेंट ऐसे भी, मैंने कहा कि कल आपको कहा ये लॉजिक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ये लॉजिक है, आप एक क्वेश्चन को 10 तरीके से हल कर सकते हो। कोई इफ एल्स लगाएगा, कोई इफ ही लगाएगा, ठीक है कोई, लेकिन आसान तरीका चुनना चाहिए। देखो आसान में ऐसे बताओ, इफ नाम थ्री इज ग्रेटर देन नाम वन, अगर नाम थ्री नाम थ्री नाम वन से बड़ा है, दूसरा कंडीशन, नाम थ्री इज ग्रेटर देन नाम टू, ठीक है, यानी नाम थ्री नाम वन से भी बड़ा है, नाम थ्री नाम टू से बड़ा है, तो उस समय मैं क्या लिखूं? नाम थ्री इज ग्रेटेस्ट। यानी तीन कंडीशन में यहां चेक करता हूं, ठीक है।
या मुझे पहले कंडीशन चाहे मुझे पहले कंडीशन ट्रू होगी, अगर पहले कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई ठीक है, अगर नाउ वन उस नाउ टू निश बोर्ड तो लेज योर अदर ठीक छ, तेल वो नाउ वन टू नाम अगर ये ट्रू गए नाउ वन टू बोर्ड नाउ टू निश पे वो अंदर कन ये नाउ टू बोर्ड नाउ वन टू बोर्ड कम नाउ थ्री निश तेल कर ये मैसेज प्रिंट समझ आई बात। अगर ये दोनों ट्रू हैं नाउ वन रेड दैन नाउ टू नाउ वन रेड दैन नाउ थ्री ठीक है तो ये ट्रू होगा ठीक है। अगर इन दो में कोई फॉल्स हो गई, अगर पहला इफ फॉल्स हो गया या दूसरा इफ फॉल्स हो गया तो नाउ वन नहीं चलेगा, बात चलते ठीक है। अगर नाउ वन रेड दैन नाउ टू अगर फॉल्स गई ये उसने कहीं ये वैसे तेल फोन दस मैं रात वो दूसरा इफ जो होगा वो पहले इफ के मातहत काम करता है ना। अगर नाउ वन ग्रेटर देन नाउ टू अगर ये फॉल्स हो गई यहां नहीं जाएगा, अगर ये ट्रू हो गई नाउ वन ग्रेटर देन नाउ टू फिर यहां ये फॉल्स हो गई नाउ वन ग्रेटर देन नाउ थ्री यहां फॉल्स हो गया तब भी नहीं चलेगा स्टेटमेंट होगा ये। यानी अगर नाउ वन नाउ टू से भी बड़ा है ये ट्रू है, अगर नाउ वन नाउ थ्री से भी बड़ा है ये भी ट्रू है तो फिर नाउ वन ग्रेटेस्ट मैसेज डिस्प्ले होगी, समझ आ रही बात। अगर यहाँ ये फॉल्स हो गई चाहे नाउ वन ग्रेटर देन नाउ टू फॉल्स हो गया या नाउ वन ग्रेटर देन नाउ थ्री फॉल्स हो गया ठीक है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फॉलो मी हाँ। इसी तरह अगर ये फॉल्स हो गई, अगर ये फॉल्स गो ठीक है पत कर ये चेक की नाउ टू इज ग्रेटर देन नाउ वन, अगर ये ट्रू है, अगर नाउ टू ग्रेटर देन नाउ थ्री ये भी ट्रू है तो नाउ टू इज ग्रेटेस्ट ये मैसेज प्रिंट होगी ठीक है। यानी नाम टू नाम वन से भी बड़ा होगा, नाम टू नाम थ्री से बड़ा होगा तो उसका मतलब नाम टू सबसे बड़ा है ठीक है। तो नाम अगर इन दो में कोई फॉल्स हो गई नाम टू या नाम टू ये पहले वाली नाम टू ग्रेटर देन नाम वन अगर ये फॉल्स हो गई या नाम टू ग्रेटर देन नाम थ्री इन दो में कोई फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है। हो गई दूसरी कंडीशन। अब नाम थ्री की बात करेंगे, इफ नाम थ्री ग्रेटर देन नाम वन अगर नाम थ्री नाम वन से बड़ा है, दूसरे अगर नाम थ्री नाम टू से बड़ा है ठीक है तो अगर दोनों ट्रू हैं तो नाम थ्री सबसे बड़ा है, अगर इन दो में कोई फॉल्स है तो अगर इन दो में कोई फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा ठीक है। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है आप मुझे बता सकते हो, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है बोलो, दिमाग पे जोर डालो। क्या ये हर जगह काम करेगा, जो भी नंबर्स में तीन दे दूंगा क्या तीनों पर ये काम करेगा, जो भी नंबर्स में दे दूंगा आपको लगता है कहीं ये फेल हो जाएगा आपका प्रोग्राम, आपको लगता है कहीं चेक नहीं करेगा, वो कौन सी जगह है जहां ये चेक नहीं करेगा, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जहां ये फेल होगा आपका प्रोग्राम। उज़मा शाइस्ता अब अजमीना तो देख रहे हैं जस्मीना कहां ये फेल होगा आप मुझे बताओ आपका प्रोग्राम, मैं बोलो आप जी सर मैं बोलो ये कहां फेल होगा ठीक है। अगर तीनों नंबर बराबर है तो फेल होगा प्रोग्राम आपका है ना। यस सर हाँ तब तो वहां नहीं काम करेगा, तब तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी नाउ वन ग्रेटर देन ये भी फॉल्स होगी नाउ वन ग्रेटर देन नाउ थ्री ये भी फॉल्स होगा, ये दूसरा इफ भी फॉल्स होगा, उसके अंदर जो इफ है वो भी फॉल्स होगा, जो तीसरा इफ है नाउ थ्री ग्रेटर देन नाउ वन ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा है ना। जिस पर आज ना कह नंबर कुंज बोर्ड मा इसका नो सर तो उस वक्त क्या होगा, समझ आ रहा है आपको मेरी बात। यस सर आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है। जब नंबर बराबर होंगे तो बड़ा नहीं होगा तो सारे ये फेल होंगे, सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी, होगी ना। यस सर ठीक है। तो उसके लिए हम और एक बनाएंगे कि अगर सारे बराबर है तो क्या लिखूंगा बता मुझे। सारे बराबर हाँ इफ
If now one equal to num two. Well, exactly. If now one is equal to num two, Sutra, if अगर num one num two के बराबर है, if num one equal to num three. हाँ, exactly. लेकिन इसको two equal to डालने हैं, दो equal to, ठीक है? Now one equal to num three. यानी अगर नाम वन नाम टू के बराबर है, नाम वन नाम थ्री के बराबर है, इसका क्या मतलब हो गया? कंडीशन फॉल्स. इसका मतलब हो गया तीन बराबर है. अगर नाम वन जो बराबर नाम टू, नाम वन जो बराबर नाम थ्री, बह का तेल बने नाम टू टू नाम थ्री बराबर. यस सर. है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर नाम वन फाइव है तो नाम टू भी फिर फाइव है, ठीक है? अगर नाम वन यहाँ फाइव है तो नाम थ्री भी फाइव है, फिर इक्वल बराबर है, ठीक है? ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी बराबर होंगे, है ना? अगर नाम वन के बराबर है तो नाम टू नाम थ्री के बराबर है, फिर मैथमेटिकल लॉ, ठीक है? यानी इसका क्या मतलब, इफ नाउ वन इज इक्वल टू नाउ टू, इफ नाउ वन इज इक्वल टू नाउ थ्री, यानी तीनों नाउ वन नाउ टू और नाउ थ्री बराबर हैं, तो मैं क्या मैसेज प्रिंट करूं? तो यहां मैं मैसेज प्रिंट करूं, ऑल नंबर्स आर इक्वल, ऑल नंबर्स आर इक्वल, सारे नंबर बराबर हैं, ठीक? अब ये कहीं नहीं फेल होगा, चाहे आप इक्वल टू दे दो, चाहे आप ग्रेटर देन लेस देन दे दो, तो ये कहीं नहीं फेल होगा. समझ आ रहा है? कोई आप yes, में yes. प्रोग्राम ये आपके सिलेबस में है, जो प्रैक्टिकल सिलेबस है ना आपका, उसमें ये है, उसमें आपको समझ आया जी? पक्का सर? हाँ. शाइस्ता? कंपाइलर में, ठीक है? ओके, आप मुझे आप प्रोग्राम बताएंगे खुद ही, वहां मैं देखूंगा इसको क्या समझ आया, इसको क्या समझ आया, और आपको प्रोग्राम कितना होल्ड हुआ, वो how much hold have you on programming? Fill her with compiler in me. सबसे पहले क्या करेंगे हम? हम करेंगे file new, ठीक है? फिर करेंगे file को हम save. सेव के बाद हम देंगे इसका नाम, इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है? फिर करेंगे ओके, ओ राइट, यस. तो सबसे पहले लेंगे हम ऊपर हैश इनक्लूड डॉट एच, फिर लिखेंगे, वैसे मुझे आपको असाइनमेंट देनी थी, ये प्रोग्राम हैश इनक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, फिर लिखेंगे हम वाइड मैन, फिर ये, फिर हो गया ये. तो पहले हम क्या करेंगे, CLR SCR लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, तीन नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, है ना? डिक्लेयर करेंगे तीन नंबर, एंटर, नाम वन कॉमा नाम
मैंने तीन नंबर बनाए, नाउ वन, नाउ टू एंड नाउ थ्री. ठीक, इसके बाद मैं वेरिएबल लूंगा किससे, पहले मैसेज प्रिंट करूंगा. पहले मैं करूंगा सी आउट एंटर वन नंबर, एंटर वन नंबर. ठीक है, तो मैं किससे लूंगा, सी एन सी, सी एन सी लूंगा मैं नाउ वन कीबोर्ड से, एक नंबर पहले यूजर से. ठीक है, नाउ वन. फिर मैं यूजर को बोलूंगा आप दूसरा नंबर दे दो. आप एंटर सेकंड नंबर, नंबर दूसरा नंबर दे दो. तो भी कीबोर्ड से लिखेगा वो, वो सी एन, मैं लिखूंगा नाउ टू, नाउ टू. ठीक है, फिर लिखूंगा मैं सी आउट इंटर थर्ड नंबर, इंटर थर्ड नंबर. तो लिखूंगा मैं फिर सी एन नाम थ्री में जाएगा. ओके, इसके बाद यहाँ से कंडीशन स्टोर होंगी. ठीक है, यानी मैंने तीन नंबर लिए यूजर से, नाउ वन, नाउ टू एंड नाउ थ्री. और वो मैंने रख दिए, एक मैंने नाउ वन में रखा, दूसरा मैंने नाउ टू में रखा, तीसरा मैंने नाउ थ्री में रखा. ओके, इसके बाद इफ नाउ वन ग्रेटर देन नाउ टू, अगर नाउ वन नाउ टू से बड़ा है, और अंदर क्या लिखूंगा मैं इसके, अगर फिर नाउ वन नाउ थ्री से भी बड़ा है, अगर दोनों से बड़ा है, नाउ वन नाउ टू से भी बड़ा है, तो नाउ वन नाउ थ्री से बड़ा है, तो मैं सी आउट मैसेज प्रिंट करूंगा. यहाँ मैसेज आएगी ग्रेटेस्ट, जो आप मैसेज प्रिंट करोगे. ठीक है, नाउ वन इज ग्रेटर. ठीक है, हो गए एक हमारा. तो इसके बाद If num 2 is greater than num 3, हो सकता है कि num 2 भी greater हो सकता है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा condition num 2 is greater than num 1. अगर num 2 num 1 num 2 num 1 से बड़ा है, दूसरी condition num 2 is greater than num 3, num 2 is greater than num 3, num 3 से बड़ा है. ठीक है, तो मैं लिखूंगा कंडीशन सी आउट नम ग्रेटर. हाँ, तो मैं लिखूंगा सी आउट, तो कौन बड़ा है, नम टू बड़ा है, नम ग्रेटेस्ट. ठीक, इसके बाद ऐसे लिखूंगा इफ नम 3 इज ग्रेटर देन नम 1, अगर नम 3 बड़ा three. है नम 1 नम 1. ठीक है, दूसरा इफ नम 3 इज ग्रेटर देन नम 2, नम 2 सी आउट प्रिंट करूंगा, सी आउट num 3 is greatest. Okay, num 3 greatest, num 3 greatest. Ho gaye ye teen condition, aur kuch nahi, main chautha maine bataya aapko, agar teen number barabar. Yes sir. If num 1 is equal to num 2, agar num 1 num 2 barabar hain, और इसके बाद if num 2 is greater than num 1, num 1 is equal to num 3. ये भी लिख सकते हैं num 2 equal to num 3, वो भी एक ही बात हो गई. Yes sir. If num 1 is greater than num 2 equal to num 2, if num 1 is equal to num 3, अगर तीनों ये बराबर हैं, इसका मतलब तीनों बराबर हैं, तो मैं मैसेज प्रिंट करूंगा सी आउट All numbers are all numbers equal. Are equal.
गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। इसके बाद यहाँ गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज क्लोज ठीक। तो इसमें क्या क्या पहले क्या करूँगा सेव फाइल सेव कर ठीक है। अब मैं करूँगा ऑल टैप नाइन एयर नहीं आ गई। इसके बाद होगा कंट्रोल ठीक है एंटर वन नंबर फॉर एग्जांपल आपने नंबर नाइन दिया दिया नाइन दूसरा नंबर आपने दिया फिफ्टीन ठीक है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी थ्री इन तीन में कौन बड़ा है तो मैसेज हमें आनी चाहिए नाम थ्री इज ग्रेटर क्या होता है नाम थ्री इज ग्रेटेस्ट ठीक है। तो यहाँ ये ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम यहाँ ट्रू है ठीक है। इसी तरह इसी तरह आप चेक कर सकते हैं एक एक आप माइनस नंबर भी दे सकते हैं फिर आप इक्वल नंबर भी दे सकते हैं ठीक है। तो आप साथ 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 में नंबर प्रिंट भी करवा सकते हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या था ठीक वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम को किसी भी हद तक रिफाइन कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा उसमें मेहनत लगती है सीखने के लिए इतना काफी है। पहले करूँगा ऑल्ट एफ नाइन कंट्रोल एफ नाइन ठीक है। दीजिए कोई भी नंबर आप ही बताइए थर्टी टू दूसरा दीजिए ट्वेंटी एट मैं माइनस ट्वेंटी एट लिखता हूँ तीसरा बताइए ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन बड़ा कौन है थर्टी टू 32 नंबर वन इज ग्रेट है ना ठीक नंबर वन ग्रेटेस्ट ठीक चल रहा है। और भी कोई नंबर आप चेक कर सकते हैं कंट्रोल एफ नाइन बताइए कोई भी नंबर आप किसी तरीके आप उसको चेक अपने प्रोग्राम कर सकते हो बताओ। चलो मैं देता हूँ जीरो दूसरा भी जीरो तीसरा भी जीरो देता हूँ यहाँ भी ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था दूसरे चैप्टर टेस्टिंग ये अपने प्रोग्राम टेस्ट करना मेरा क्या मेरा प्रोग्राम ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है कहें तो गलत रिजल्ट नहीं अगर लास्ट कराना एड की लास्ट इफ ठीक है तो ये नहीं आता आपको फिर आप अगर कभी भी इसको इक्वल नंबर देते तो कोई मैसेज नहीं आता आपको आपका प्रोग्राम उस वक्त वो नम वन इक्वल टू नम टू हाँ। बताइए और कोई भी कंट्रोल एफ नाइन माइनस वाले नंबर बताइए माइनस वाले चलो माइनस पे ट्राई करते हैं माइनस थ्री माइनस थ्री दूसरा सारे माइनस वाले देने माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन शायस्ता आप बताओ माइनस नाइन चलो माइनस नाइन में देते एन वन इज ग्रेटर वहां यहाँ कौन ग्रेटर है नम वन है ना माइनस में सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है माइनस थ्री ग्रेटेस्ट नाउ वन ग्रेटेस्ट सही जी सर ठीक है। तो एक और चेक कीजिए आप अब एक आप दो नंबर इक्वल दीजिए एक डिफरेंट दीजिए बताओ वहां क्या करेगा ये चलता है नहीं चलता है 19 फिर दूसरा दूंगा 19 तीसरा दूंगा 15 ओके देखो यहाँ नहीं चल गया आपका प्रोग्राम ठीक है ठीक जिस ये हो गई टेस्टिंग यानी यहाँ आपका प्रोग्राम फंस रहा है ठीक है। जब दो नंबर इक्वल है यानी नम वन अगर नम टू के बराबर है और नम टू नम थ्री के बराबर नहीं नम थ्री के बराबर नहीं ठीक है तो यहाँ ये नहीं चल रहा है ठीक है।
तो आपके लिए आज असाइनमेंट है, इसको ठीक करना। अब यहाँ भी ये चलना चाहिए, करोगे क्या? ठीक है, तो यहाँ तो मैं नहीं आएगा, आप ट्राई कीजिए, इस वक्त टाइम तो होगा। आप एक नहीं पढ़ाए, अगर दो बराबर होंगे एक नहीं तो वहाँ क्या करना। भाई आपको खुद सोचना है ना, अगर दो बराबर नहीं है तो तीसरा, अगर दो बराबर हैं तो एक बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें कौन सी चेंज करेंगे हम? ओके सर, ठीक है, है ना, कहाँ चेंज करेंगे? आप रफ पे लिखिए, ठीक है, फिर ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई रन होता है आप तीन नंबर लीजिए रफ पे, ठीक है, फिर इन तीन नंबर को रफ पे डालिए, एक एक करके चेक कर कीजिए। आपके पास कंप्यूटर नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, रफ पे तीन नंबर लिखेंगे यहाँ, ठीक है, फिर अपने प्रोग्राम में वो डालेंगे, चेक करेंगे अगर ये ऐसा है तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ नीचे आ गया ठीक है तो इसके नीचे क्या होगा। ओके सर, ठीक है, तो आपको एक दो घंटे खाएगा ऐसे वैसे भी सोचने में। सर इतना टाइम कहाँ होता है? क्या नहीं होता है आपके पास, क्लासेस लेने होते हैं। ठीक है, तो मैं कल आपको फिर दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना यहाँ, ठीक है, लेकिन इससे तो फिर आपका भी जो है ना, असाइनमेंट है। जो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा तेज हो जाएगा, दैट्स लाइक सो फास्ट दवाएं स्ट्राइक के लिए फास्ट देखता हम तलवार को तेज करते हैं ना, उसकी धार तेज करते हैं, वही धार तेज करने के लिए आपको सोचना जरूरी है, वरना आप जब आपको रेडीमेड मिलेगा आई ना, ठीक है, तो फिर आप सोचना बंद करोगे। आप खुद सोचिए, मैंने आपको ये थोड़ा दिया कि यहाँ आपका प्रोग्राम फेल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, आप इस पे सोचिए, ठीक है, मैं भी सोचूंगा, फिर कल हम देखेंगे क्या कर इसको यहाँ क्या करना है। ओके जी सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, सोचिए आज दिन आप करेंगे सर, आप एग्जाम लेंगे? हाँ मैं भी एग्जाम लूंगा, मैं क्यों नहीं लूंगा, पहले हम एक ऐप डाल रहे हैं, उस ऐप पे हम एग्जाम लेंगे, फिर ऐप हमने परचेज की है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सर, हमने परसों भी एग्जाम दिया ना। चलो वो फिर हम मिलजुल के तय करेंगे कब एग्जाम लेंगे, वो थोड़ी और किसी को, हम हमको फैसला या हमें, क्लास टेस्ट नहीं है, मुझे और आपको फैसला करना है, ठीक है, इसमें तीसरा कोई नहीं है, ये थोड़े बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, जिस दिन मर्जी होगी बोलेंगे आज एग्जाम लेंगे, जिस दिन नहीं होगी बोल के नहीं लेंगे, दो दिन के बाद लेंगे, पांच दिन के बाद लेंगे, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल रहेंगे ना तब उस तरह से लेंगे, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, नहीं आज नहीं देना ही देना है, इसमें कोई कंपल्शन ऐसी नहीं है, जब आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है, कल आप कंफर्टेबल थे, मैंने यूनिट पढ़ाया, फिर आपको वो रिपीट भी किया, फिर मैंने आपको बोला एग्जाम देंगे, आपने सबने बोला हाँ देंगे, ठीक है, तो फिर एग्जाम लिया हमने, इसी तरह आगे भी हम करेंगे, ठीक है, जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, हाँ हम एग्जाम देने के काबिल हो गए आप इस यूनिट के, तो हम उस वगैरह लेंगे। ओके सर, आज एक आया था, आपने उनसे बात ही नहीं की, कौन लास्ट पे क्या नाम उनका, लुबना कोई, हाँ लुबना आई थी, लेकिन ऐड नहीं किया था, एक किसी नेम चेंज किया है, ये अरुज है, हाँ नेम चेंज किया है, तो लुबना मेरे डेटाबेस में है ही नहीं, कंप्यूटर साइंस की डेटाबेस है ना उसमें लुबना कोई नाम ही नहीं है, जी सर उनका नाम है रुजा, रुजा उरूज है, नहीं उरूज कुछ नाम है उनका, उरूज, उरूज भी नहीं है, उरूज हमीद, उरूज भी नहीं है, अब नहीं, ठीक है, उससे आलरेडी मुझे लगा कोई आलरेडी स्टूडेंट है, उसने भी इस पे क्या है इस पे नेम चेंज किया, जूम पे अपना नाम नेम चेंज किया है, जैसे आप चेंज करते रहते हो यस्मीना सर, मैं कुछ कभी तो कभी यस्मीना होता है, कभी वो क्या होता है वो यासीन होता है, मुस्तफा यासीन नया नाम होगा मंडे के दिन नया नाम होगा इंशाल्लाह, हाँ वो तो ठीक है, ऐसे नहीं मुझे पता चलता फिर कौन है वो, चलो ठीक है, अगर नया है तो वी वेलकम हर,
ठीक है, अगर पुराना ईद है तो उसको बोलेंगे आप डेली क्लास लीजिए, ठीक है, आपको बोल तो आप डेली क्लास लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे ये चीजें समझ नहीं आएंगी जो मैं यहाँ समझ रहा हूँ आपको। कैसे मैंने एग्जैक्टली आपको प्रोग्राम समझाया ना आज, ऐसे आप अगर यूट्यूब पे 10 वीडियोस भी देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा वहाँ ऐसे। सन इन लोगों ने फिजिक्स का एग्जाम दिया, किसने? सर हाँ तो एग्जाम तो होते रहेंगे अब, हमारा एक ही एग्जाम होगा तो ना। हाँ आपका कौन सा एग्जाम? फिजिक्स का हाँ दीजिए एक ही एग्जाम एग्जाम क्या है, होगा, आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देना ही चाहिए, एग्जाम से प्रेपरेशन होती हम है। नहीं लेते हैं ना वो क्लासेस सारे तो नहीं लेते हैं ना सर, हम देंगे पर हमारा रोल नंबर ही नहीं है वहाँ। क्यों आपका रोल अब नंबर धीरे धीरे आएगा, ऐड आ करवा दिया जाएगा वहाँ सर को बोलूंगी। आपका रोल? अब तो पूरा डेट शीट निकला है एग्जाम का, यस सर, सर ठीक है। कह रहे थे इकबाल सर, हाँ, वो पूरा डेट शीट है, हम उसको पब्लिश करेंगे जल्दी, यस ठीक सर है, हमारा एक एग्जाम होगा, फिर उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐप दे रहा हूँ, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, तो ऐप में आप क्या करोगे, तो ठीक आपको मैं पेपर सेंड करूंगा, आप घर पे वो करोगे फिर मुझे सेंड करोगे, ठीक है। जी सर। देखिए पेपर में क्या होगा, अगर 40 मिनट का टाइम होगा, 40 मिनट, 40 मिनट में जितना आप करोगे ना, उसके बाद ऐप खुद ब खुद बंद हो जाएगी, फिर आपको उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा वहां, समझ आ रही बात? जी सर। ठीक है, आपको 40 मिनट का टाइम है, मैं आपको पेपर घर पे भेज दूँ, आपने ओपन किया ना, यस सर। ठीक है, 40 मिनट के बाद वो खुद बंद हो जाएगा, यानी आपका टाइम खत्म होगा, फिर मुझे पता चलेगा आप किसने क्या किया है, ठीक है, आप किसी वक्त भी घर में बैठ के कर सकते हो, ठीक है। ओपन किया, आपने ओपन किया, 40 मिनट हो गए, बंद हो गया, मुझे सेंड हो गया, ओके, यस सर, थैंक यू, हैव अ थैंक यू नाइस सर। डे।